नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पिछले एक सप्ताह से बंद ECL मुगमा क्षेत्र का कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी सोमवार से चालू हो जाएगा। रविवार को कापासारा आउटसोर्सिंग परिसर में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मजदूरों के साथ कंपनी प्रबंधक की हुई बैठक में आपसी तालमेल से कोयला उत्पादन पर सहमति बनी। सभी मजदूरों ने ईमानदारी व निष्ठापूर्वक नियमों के तहत काम करने का संकल्प लिया। आउटसोर्सिंग संचालक देवाशीष मोदी ने बकाया 3 माह के वेतन में 1 माह का वेतन 7 दिनों के भीतर भुगतान का आश्वासन दिया। शेष जल्द भुगतान की बात कही। मुख्य रूप से वो भी एक कारण है, जो माइंस में इतने जो लोग आसपास के जो भट्टा है, भट्टा चालू है, तो बाहर से बंगाल से जामताड़ा से ये तमाम जगहों से लोग आके यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ कर, तो इस चीज़ को रोकना होगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन, CISF, एरिया सिक्योरिटी, सब लोग हम समझते हैं।